आप लोग देख सकते हो कैसी जगह पे हम, ताजी बर्फ और ताजी हवा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही मुश्किल है रास्ता, बट आप लोगों के लिए इतना दूर आ चुका हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें मेरे YouTube चैनल को, देख सकते हो आप, देखो देखिए गाइस, ये हवाएं ताजी ताजी गाइस, भाई साहब ये हम हैं और ये हमारी ग्रुप है। आज हम ट्रैक कर रहे हैं रोटी पिक, रघुना पिक चाहे आज, और कुछ इस तरह से कम 20 से 25 फीट बर्फ़ के ऊपर चल रहे हैं अभी, देख सकते हो आप। यहाँ देखिए पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है, और जहाँ 12 महीने बर्फ़ रहता है वैसी जगह से जा रहे हैं। काफ़ी ठंडा है आज मौसम, हवाएँ भी चल रही है हल्की हल्की, और ये देख सकते हो आप फिसलन काफ़ी है। और देख सकते हो गाइस बेहतरीन जगह जा रहा है, हर किसी का सपना होता है ऐसी जगह जन्नत में आने का, और हर कोई ऐसी जन्नत में आ नहीं सकते हैं, और यहाँ आने के लिए पूरा चला हूँ मैं जहाँ वहाँ। देख सकते हो आप कितनी भारी बर्फबारी है, और इस बर्फ़ में चल रहे हैं हम, और जूतों में भी पूरा बर्फ़ गिर चुका है, देख सकते हो शायद वीडियो हिल जाए क्योंकि चलने में स्टेबलाइजेशन नहीं मिल पा रहे हैं। और देख सकते हो आप, ओ माय गॉड, देखिए ये देखिए, गाइस चलो आज की वीडियो शुरू। देख सकते हो आप कितनी बर्फ है, और इन बर्फ के तूफानों में हम चल रहे हैं। तीन बंदे हम, सबसे आगे से संदीप, और उसके पीछे ब्रह्म सिंह रावत, जो कि इन बर्फ़ का मज़ा ले रहे हैं इस प्रकार से चल के। देख सकते हो आप गाइस, यो हनी सिंह नाव दिलजीत, देखिए ऊपर पूरा बर्फ़ है, और इन बर्फ़ की चोटियों पे चलना एक सपना है, था और हमेशा रहता है। हर साल हम जुलाई के महीने में इन बर्फ़ की हसीन वादियों में आने का सौभाग्य होता है, और इसमें काफ़ी मज़ा भी करते हैं हम लोग, देख सकते हो। उच्चतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी नंदन। सो गाइस आधा ट्रैक तो पिक कर चुके हैं, और अभी कम से कम 250 मीटर और चलना है हमको यहाँ से आगे, क्योंकि पूरा बर्फ़ में ही चलना पड़ेगा, देख सकते हो। तो गाइस जूते भीग चुके हैं खतरनाक तरीके से, अंदर तक पानी चलेगा, पूरा पानी अभी ले इस चीज़ से चल रहे हैं वैसे हम। हाँ तुम्हें क्या पता है यहाँ कैसा बर्फबारी होता है,
अभी थोड़ी देर में मौसम बदल गया तो सीधा बर्फ आता है। बर्फ कम ना पाते छे तो हम पाते छे बे जी यूं में चल रहे छो हम। ये देखिए मोटर कर रहा हूं छे। ये देखिए और जो आज थोड़ी छे हमने लास्ट से पिक किया और अभी आधा पिक कर चुके हैं और यहां से आगे फिर से पिक करना है कम से कम 250 मीटर और मिलते हैं।